बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के बेटे हैं अभिषेक बच्चन। एक्टिंग के गुर तो अभिषेक को अपनी जींस में ही मिले हैं। आखिर उनके पिता बिग बी सुपरस्टार हैं, तो वहीं माँ जया बच्चन भी बेहतरीन अदाकारा रही हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बचपन में जूनियर बच्चन हुए थे गंभीर बीमारी का शिकार। वहीं अभिषेक की वजह से भरी महफिल में अमिताभ हो गए थे शर्मिंदा। नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस किस्से के बारे में। 5 फरवरी 1976 को आज के दिन ही मुंबई में अमिताभ और जया के घर अभिषेक ने अपने नन्हे कदम रखे थे। अभिषेक बच्चन को जन्म के बाद बाबा बच्चन नाम दिया गया था। कम लोग ही जानते हैं कि अभिषेक महज 9 साल की उम्र में डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी के शिकार हुए थे। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को शब्द लिखने और समझने में परेशानी होती है। बॉलीवुड में बनी फिल्म तारे जमी पर इसी बीमारी पर बनी है। वहीं बताया जाता है कि बचपन में वह काफी शरारती भी हुआ करते थे। अभिषेक की एक ऐसी शरारत की वजह से अमिताभ को शर्मिंदा होना पड़ा था और इस किस्से का खुलासा खुद अभिषेक ने ही कपिल शर्मा के शो में किया था। अभिषेक ने बताया था कि ये उनके बचपन की बात है, जब अर्चना पूरन सिंह उनके यहाँ एक पार्टी में आई हुई थी और पार्टी के दौरान ही उन्होंने अर्चना को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था, जिससे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन काफी शर्मिंदा हो गए थे और उन्होंने अभिषेक की इस हरकत के लिए अर्चना से माफी भी मांगी थी। और सिर्फ शरारती ही नहीं बल्कि बिग बी के बेटे अभिषेक बच्चन तो बचपन में ही एक एक्ट्रेस को अपना दिल दे बैठे थे। जी हाँ, 7 साल के अभिषेक उस वक्त की बोल्ड हसीना जीनत अमान के प्यार में पड़ गए थे। आलम यह था कि जब उनके पिता अमिताभ बच्चन एक बार जीनत अमान के साथ फिल्म की शूटिंग के लिए हिमाचल गए थे, तो अभिषेक भी उनके साथ वहां गए थे। उस दौरान उन्होंने जीनत अमान के साथ वक्त बिताया था, जो उन्हें बहुत अच्छा भी लगता था। तभी जब रात को जीनत जाने लगी तो अभिषेक ने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? जीनत ने जवाब दिया, सुबह शूटिंग के लिए जल्दी उठना है, इसीलिए समय से सोना है। इस पर अभिषेक ने पूछा, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? अभिषेक की ये बात सुनकर जीनत ने उन्हें समझाया कि अभी आप बहुत छोटे हैं और छोटे बच्चों को अपने मम्मी पापा के साथ सोना चाहिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर जीनत ने उनसे मजाक के अंदाज में जवाब देते हुए कहा था, थोड़े बड़े हो जाओ फिर साथ सो सकेंगे। अभिषेक 28 साल की जीनत के प्यार में पड़ गए थे। आज भी अभिषेक कहते हैं कि उनका पहला प्यार जीनत अमान ही थी। अभिषेक बच्चन का एक और किस्सा बड़ा मशहूर है। अभिषेक के पिता अमिताभ की सुपरहिट फिल्म शोले तो आपको भी जरूर याद होगी, और शोले का गब्बर भी। अभिषेक बचपन में अमिताभ की सारी फिल्में देखते थे और वो ये भी देखा करते थे कि फिल्मों में उनके पापा का सामना विलेन अमजद खान के साथ होता था। ऐसे में एक बार अभिषेक अपने घर की बालकनी पर खड़े थे और उन्होंने अमजद यानी कि गब्बर उनके घर की ओर आ रहे थे। ऐसे में तब 5 साल के अभिषेक दौड़ते हुए अमिताभ के पास आए और उनसे कहा, पापा गब्बर आ रहा है, भागो। अब ये सब तो रही अभिषेक के बचपन की बातें, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब अभिषेक अपनी जिंदगी में पूर्व मिस वर्ल्ड और खूबसूरत बला ऐश्वर्या राय से शादी करने जा रहे थे, तो हंगामा तो तब हुआ जब शादी से ठीक एक दिन पहले एक मॉडल ने ये दावा किया कि अभिषेक उनके पति हैं और वो उन्हें धोखा देकर ऐश्वर्या से दूसरी शादी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मॉडल अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर पहुंची थी और अपने हाथ की नस काट ली थी। हालांकि ये तमाशा महज पब्लिसिटी स्टंट साबित हुआ था। वहीं इनकी शादी के बारे में यह भी कहा जाता है कि अभिषेक बच्चन से शादी करने से पहले ऐश्वर्या राय को अपना मंगल दोष हटाने के लिए पीपल के पेड़ से शादी करनी पड़ी थी। बता दें कि 20 अप्रैल 2007 को ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन शादी के बंधन में बंधे थे। अभिषेक से जुड़े दिलचस्प किस्से यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि एक खास किस्सा तो अभी भी रह ही गया, और ये किस्सा है उस वक्त का जब अभिषेक के घर उनकी लाडली गुड़िया आराध्या का जन्म हुआ। खास बात तो ये है कि जब उनकी बेटी के कान छिदवाने का दिन आया तो अभिषेक ने खुद भी पियर्सिंग करवाई, जिससे वो बेटी की तरह दर्द महसूस कर सकें।